हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ब्लाउज की बेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करेंगे। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, शोल्डर है 5 इंच, आर्म होल है 5.5 इंच और ये ब्लाउज 34 साइज पे है, 34 साइज पे। 34 का एक चौथाई लेंगे 8.5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन के लिए। कमर का एक चौथाई लेंगे 1 इंच टक्स के लिए, 1.5 इंच मार्जिन के लिए। गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच। गले की लेंथ रखेंगे 10 इंच और नीचे से गले की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे और निशान को इस तरह से बराबर में मिला देंगे। और इस पर देखिए गले का शेप देंगे तो पहले हम इस तरह से टैप टैप कर लेंगे ताकि जो निशान है वो दूसरे तरफ भी आ जाए। और इस साइड हम राउंड में इस तरह से निशान को लगाएंगे और दूसरे साइड जैसा है वैसे ही रहेगा हमारा ये डिज़ाइन। और अब इसी डिज़ाइन पर नेक की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरफ से देखिए पहले हमें राउंड में कट करना है और दूसरे साइड से जो हमारा स्क्वायर में डिज़ाइन है, नेक का शेप है, इस पर एज इट इज़ कटिंग करेंगे इस तरह से। तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से रहेगा। अब हम ब्लाउज वाले मेन फैब्रिक को लेंगे। मेन फैब्रिक की सीधी साइड ऊपर की ओर करते हुए रखेंगे और ऊपर से अस्तर कपड़े को रखेंगे बराबर में और एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरे गले पर सिलाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं गले की सिलाई मैंने बराबर में कर दिया है। एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे और सेंटर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम पूरे गले पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और अब अस्तर कपड़े को इस तरफ पलट लेना है उल्टे तरफ और इसे बराबर कर लेना है। तो देखिए मैंने बराबर कर लिया है। अब गले के कॉर्नर पे टॉप स्टिच लगाएंगे, इस तरह से गले के कॉर्नर की सिलाई करेंगे हम। तो आप देख सकते हैं मैंने गले की कॉर्नर की सिलाई कर दिया है। एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे। अब हम ब्लाउज की ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। साइड से इस तरह से उल्टे तरफ पलट लेंगे और साइड से सिलाई करते हुए इसे ज्वाइंट करेंगे। चारों तरफ इस तरह से सिलाई करना है और इसे जॉइंट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने जॉइंट कर लिया है दोनों फैब्रिक को। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है बाहर की तरफ इसे कट कर लेंगे। इसी तरह से ऑल राउंड में हमें इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो मैंने देखिए चारों तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है और इस पर अब हम टक्स की सिलाई करेंगे। साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और टक्स की सिलाई कर लेंगे। टक्स की लेंथ 4.5 इंच रखनी है, 4.5 इंच। और अब इसी तरह से दूसरे साइड से भी फोल्ड करेंगे इस तरह से और टक्स की सिलाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड टक्स की सिलाई कर लिया है। अब नीचे का साइड कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच चौड़ी कमर पट्टी लेंगे। पट्टी को ऊपर के साइड इस तरह से बराबर में रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे सिलाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने पट्टी को सिलाई कर दिया है। अब एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे और अब देखिए पट्टी को इस तरह पलट लेना है और पट्टी को ऊपर से ही एक टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच मैंने लगा दिया है। अब कमर पट्टी को उल्टे तरफ पलट लेंगे और इसे चाहे तो आप डबल फोल्ड करते हुए तुरपाई कर सकते हैं या फिर इस तरह से आप रफ स्टिच भी लगा सकते हैं। तो मैंने देखिए रफ स्टिच लगा दिया है। अब इस पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन के लिए हमें एक पेपर पेस्टिंग लेनी है और कॉन्ट्रास्ट में हमें गोल्डन कलर की फैब्रिक लेनी है। पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है, 2.5 इंच, और ऊपर के साइड दोनों को इस तरह से पहले सिलाई करेंगे और फिर सीधी तरफ को पलट लेंगे और अब साइड से चारों तरफ सिलाई करते हुए इसे पक्का कर लेंगे। यानी पेपर पेस्टिंग और जो हमारा फैब्रिक है दोनों को जॉइंट कर लेंगे चारों तरफ सिलाई करते हुए। तो आप देख सकते हैं मैंने सिलाई को लगा दिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने चारों तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके इसे रेडी कर लिया है। तो इसे करते हैं साइड। अब हम पतली सी डोरी बनाएंगे। डोरी का वीडियो मेरे चैनल पर बहुत सारे अपलोड है, आप वहाँ से सीख सकते हैं डोरी कैसे बनानी होती है। तो डोरी को मैंने देखिए कट किया है 2.5 इंच की लेंथ रखते हुए। जितना हमने पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई रखा था उतना ही हमें डोरी को कट करना है, 2.5 इंच के करीब में लेंथ रखते हुए। और फिर देखिए हमें मेन फैब्रिक के कॉन्ट्रास्ट में कुछ पट्टी कट करनी है, इसे दोनों साइड से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेनी है। और जो हमने ये लूप्स कट किया है 2.5 इंच की, इसे देखिए 3 पीच हमें लेना है और सेंटर पे इस वाले पट्टी से सेंटर पे इस तरह से रखते हुए जॉइंट कर लेना है सिलाई करते हुए। तो आपको समझ में आ रही होगी ये डिज़ाइन हम किस तरह से बनानी है। यानी हमें ये 3 लूप्स लेना है, 3 पीच लेना है और सेंटर पे इस वाले पट्टी जो हमने सिलाई करके रेडी किया है इसको सेंटर पे रखेंगे। चाहे तो आप मशीन से ही सिलाई करके इसे जॉइंट कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से हैंड स्टिच करते हुए भी जॉइंट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी ये डिज़ाइन हमने किस तरह से बनानी है। इसी तरह से सारे डिज़ाइंस को बना के रख लेंगे जितनी भी ज़रूरत होगी हमें। अब देखिए हम पेपर पेस्टिंग वाले पार्ट को लेंगे और एक एक डोरी को यानी एक एक इस लूप्स वाली डिज़ाइन को हमें बराबर में रखना है, इस तरह से बिल्कुल चिपकाते हुए रखना है और सेंटर पे थोड़े थोड़े गैपिंग हमें इस तरह से डिज़ाइन के लिए बना देना है।
तो आप देख सकते हैं एक साइड से हमने सारे लूप्स वाले डिज़ाइन को ज्वाइंट कर लिया है। अब दूसरे साइड से भी इसी तरह से सेम हमें सिलाई करते हुए इसे पक्का कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं ये डिज़ाइन किस तरह से बना रही हूँ, इसी तरह से सारे डिज़ाइन को बना लेंगे। दोनों साइड से मैंने बराबर में सिलाई करते हुए सारे लूप्स वाले डिज़ाइन को ज्वाइंट कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा लूप्स बाहर की तरफ निकला है इसे कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड एक्स्ट्रा लूप्स को कट कर लिया है। अब हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे। इसके लिए देखिए हमें पेपर पेस्टिंग को उल्टे तरफ करते हुए रखना है और हमें ले लेना है उरेब पट्टी यानी क्रॉस पट्टी। क्रॉस पट्टी को देखिए हमने इस तरह नीचे का साइड रखना है और सिलाई करते हुए इसे पेपर पेस्टिंग के साथ ज्वाइंट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने जॉइंट लगा दिया है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे और अब इसे सीधे तरफ को पलट लेंगे। पट्टी को उल्टे साइड इस तरह से पाइपिंग के जैसे बनाते हुए सिलाई करके इसे पक्का कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एक साइड मैंने पाइपिंग को बराबर में कर लिया है। नीचे का साइड फोल्ड कर लेना है फिनिशिंग के लिए। और अब इसी तरह से हम इसके दूसरे साइड से भी पाइपिंग को बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड पाइपिंग बना लिया है। तो इसे करते हैं साइड और अब हम एक पट्टी लेंगे। पट्टी की चौड़ाई लगभग 3 इंच है, 3 इंच। इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे इस तरह से और साइड से सिलाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने साइड से सिलाई कर लिया है। ये हमें पतली सी यानी लंबी सी हमें पट्टी रेडी करके रखना है क्योंकि हम इस पर फ्रिल डालेंगे। फ्रिल के लिए हमें लंबी सी पट्टी रेडी करना होता है। और अब देखिए हम इस पर फ्रिल डाल लेंगे। तो छोटे छोटे प्लीट्स डालते हुए हम इस पर फ्रिल बना लेंगे। पूरे पट्टी में हमें इसी तरह से फ्रिल को डाल लेना है अच्छे से। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे पट्टी पे फ्रिल्स को अच्छे से डाल दिया है। अब हम इसका एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे। अब हम ब्लाउज वाले पार्ट को लेंगे और गले पर देखिए हमें बिल्कुल कॉर्नर पे फ्रिल को अच्छे से इस पर जॉइंट करना है इस तरह से। पहले अच्छे से हम इसे मिला लेंगे और पूरे राउंड के अकॉर्डिंग हमें पहले फ्रिल को इस तरह से जॉइंट करना है। एक्स्ट्रा फ्रिल को हमें कट कर लेना है और अच्छे से इसे पक्का कर लेना है। अब हम इस पर लेस लगाएंगे, तो मीडियम साइज़ की यानी हमें कॉन्ट्रास्ट में लेस लेना है। तो मैंने मोटी वाली लेस यहाँ पर लगाया है इस तरह से। तो कॉर्नर पे देखिए लेस को बराबर में रखना है और कॉर्नर की सिलाई करते हुए लेस को जॉइंट कर लेंगे। लेस के दूसरे साइड से भी सिलाई कर लेंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं हमने फिनिशिंग के साथ लेस को जॉइंट कर दिया है। एक्स्ट्रा लेस को और एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे और हमने जो लूप्स वाली डिज़ाइन बनाई है यानी पेपर पेस्टिंग वाली डिज़ाइन को हमें इस साइड इस तरह से बराबर में रखना है और फिर नीचे के साइड से सिलाई करते हुए इसे दोनों तरफ से यानी चारों तरफ से सिलाई करते हुए इसे पक्का कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने चारों तरफ सिलाई करते हुए बैक पार्ट के साथ लूप्स वाले डिज़ाइन को जॉइंट कर दिया है। एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे। अब हम इसे साइड करते हैं। अब हम और इस पर एक डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए देखिए हमें इस तरह से राउंड में एक पीस लेना है और जो हमने फ्रिल रेडी किया है फ्रिल को ले लेंगे इस तरह से। कॉर्नर पे देखिए फ्रिल को बराबर में इस तरह से रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। फ्रिल को उल्टे तरफ पलट लेंगे और मेन फैब्रिक के ऊपर हमें सिलाई करके फ्रिल को पक्का करेंगे। इसके कॉर्नर पर चाहे तो आप लेस को भी अटैच कर सकते हैं। और अब देखिए हम इस पर सेंटर पर इस तरह से रेडीमेड डोरी मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहे तो फैब्रिक वाली डोरी भी लगा सकते हैं। और फिर देखिए साइड से सिलाई करते हुए हमने डोरी को जॉइंट कर दिया है। एक्स्ट्रा धागे को और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और फिर इसे सीधा कर लेंगे। तो ये हमारी एक फ्लावर बन चुकी है। इसी तरह से और एक फ्लावर बनाएंगे। दोनों फ्लावर बन चुके हैं, इसे करते हैं साइड। अब हम ब्लाउज वाले पार्ट को लेंगे और ऊपर के साइड दोनों तरफ से 2-2 इंच की दूरी पर डोरी को रखेंगे और सिलाई करके इसे जॉइंट कर लेंगे। दोनों साइड मैंने लटकन को अच्छे से जॉइंट कर दिया है। अब इस पर हम अच्छे से गांठ लगा देंगे। तो आज की हमारी सिंपल सी ब्लाउज डिज़ाइन बन चुकी है। आज की ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ब्लाउज़ की डिज़ाइन पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।